एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो से लेकर सारा परिवार ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, वहीं इनके मंत्री और विधायक सनातन के खिलाफ बोलकर रोज बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। जी हां, आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के डिहरी विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है, जहां आरजेडी और जदयू के नेता ऐसा बयान सुनकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बहादुर ने कहा कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इसे मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि साल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यही नहीं। फतेह बहादुर ने कहा कि यदि भगवान हैं तो जनता और भगवान के बीच में बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे बयान से वही लोग परेशान हैं जो बिचौलिए हैं। इस तरह उन्होंने अपने बयान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। राजद विधायक फतेह बहादुर ने कहा कि पूजा करने का ठेका सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं है। जो हिंदी रूपांतर किए हैं, लोगों नीचे करो सर, लोगों नीचे करो। उन्होंने पहले आप लोग शांत हो, ललई यादव जी का सच्ची रामायण है उसको पढ़िए आप लोग। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1976 में रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, अब हमें मानने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? रामायण को आप काल्पनिक मान रहे हैं? अरे मैं नहीं मान रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। लेकिन भारत के तमाम लोग जो दुर्गा माता भी काल्पनिक है, माँ दुर्गा भी काल्पनिक है। अच्छा आप ये बताइए, अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचौलिए के वजह से धांधली हो रहा है, तो भगवान और जनता के बीच में बिचौलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? डायरेक्ट अपना जिनको पूजा करना होगा वो करेंगे। तो ये बिचौलिए को केवल तकलीफ हुआ है और किसी को नहीं तकलीफ। आप माँ दुर्गा को काल्पनिक मानते हैं? मैं कहता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर देख लीजिए। हाँ, अरे वही तो बोल रहे हैं, बिचौलिया के वजह से ही ये सब हो रहा है ना। फालतू खर्च करते हैं पूजा पाठ। अरे भाई जी, जो बिचौलिए हैं, मैं कहता हूँ कि हर क्षेत्र आपके हिसाब से बिचौलिया कौन है? ब्राह्मण निशाने पे है, ब्राह्मण देवताओं और पब्लिक के बीच में कौन बिचौलिया है? आप खुद समझदार है, समझ जाइए ना। पूजा पाठ करवाते हैं, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं उनकी बात। ठेकेदारी उनको मिला है क्या? पाखंडवादी मान सकते हैं, मनुवादी मान सकते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग मान सकते हैं।